अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएम महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप पोस्टमैन को विंडोज में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको किस तरह एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। पोस्टमैन को विंडोज में इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लें और पोस्टमैन लिखकर सर्च करें। फर्स्ट सर्च रिजल्ट आएगा postman.com, उस पे क्लिक कर लें। यहां से स्क्रॉल डाउन करें पेज के बॉटम पे और डाउनलोड द ऐप, इस पे क्लिक कर दें। दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है कि जब आप पोस्टमैन लिख के सर्च करें तो डायरेक्टली इसके सेकंड बटन पे क्लिक कर दें, डाउनलोड पोस्टमैन। ये एग्जैक्टली आपको इसी पेज पे ले आएगा। ओके, यहां पे आप इस बटन पे क्लिक कर दें और इसका जो इंस्टॉलर है उसको डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी इसका इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं वहां पे जाके उसको डबल क्लिक करके स्टार्ट कर लूंगा। पोस्टमैन का जो इंस्टॉलर है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसका इंस्टॉलर स्टार्ट होगा और 1 से 2 सेकंड में बस वो इसकी फाइल जो है वो आपकी प्रोग्राम डायरेक्टरी में कॉपी करेगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग पोस्टमैन, दैट्स इट। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, उसने सिर्फ इसकी फाइल्स को कॉपी किया और पोस्टमैन को इंस्टॉल करके स्टार्ट कर दिया। इसमें कोई आपके सिलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है और भी कुछ नहीं है। यहाँ इसी के साथ पोस्टमैन जो है वो प्रॉपरली सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो ये अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका था सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का। नेक्स्ट, अब हम एक पोस्टमैन का अकाउंट बनाएंगे। बेसिकली आप पोस्टमैन में अपना इसको विदाउट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाने के साथ आपको बेनिफिट ये होगा, एक तो इसका अकाउंट कंप्लीटली फ्री है, दूसरा आपका जो वर्क हिस्ट्री होगी वो प्रॉपरली सेफ रहेगी और आप अपनी जो कलेक्शंस होंगे, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ देर में कि कलेक्शंस क्या होती हैं, उनको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकेंगे और सिस्टम टू सिस्टम सिंक कर सकेंगे। आप इस सिस्टम में काम करें, अकाउंट लॉग इन है, वो कलेक्शन सारी आपकी सर्वर में, पोस्टमैन के सर्वर में सेफ हो जाएंगी। दूसरे सिस्टम में जाएंगे, वहां पे सिर्फ अकाउंट लॉगिन करेंगे पोस्टमैन का, तो वो आपका सारा डाटा वहां पे सिंक कर देगा। ये इसका ह्यूज बेनिफिट है। मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा, वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा गूगल क्रोम पे। यहाँ पे आप अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप डायरेक्ट गूगल अकाउंट के साथ साइन अप कर ले। मैं यहाँ पे साइन अप विद गूगल अकाउंट पे क्लिक करूंगा और जो मेरा गूगल अकाउंट यहाँ पे लॉग इन है उसके साथ साइन अप कर लूंगा। यहाँ पे आप साइन अप इसको चेक कर दें और एक्सेप्ट, इनकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लें। जैसे ही आपकी साइन अप कंप्लीट हो जाएगी ये अलर्ट आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को चेक कर दें और ओपन पोस्टमैन इस पे क्लिक कर दें। ये आपको वापस रीडायरेक्ट कर देगा पोस्टमैन में और वहां पे आपको, आपने एक नया अकाउंट बनाया, साइन अप आप ब्राउजर में होगे, पोस्टमैन में ये आपको साइन इन कर देगा क्योंकि ये नया अकाउंट की जो लॉगिन डिटेल है वहां पे ऑटोमेटिकली सिंक कर लेगा। यहाँ पे अब ये नया जो अकाउंट अभी अभी क्रिएट हुआ है उसमें मुझे लॉगिन कर रहा है, उसकी कलेक्शंस को फेच कर रहा है, देख रहा है कि कोई कलेक्शन अगर बनी हुई है या कोई वर्क स्पेस, जो भी चीज जो उनके सर्वर में अवेलेबल है उसको लोकली इस ऐप में फेच करके सिंक कर रहा है दोनों डाटा को। जैसे ही इसने कंफर्म किया कि ये एक नया अकाउंट है, ये अब मुझे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे ले आया। यहाँ पर आप एक नाम मेंशन कर लें, जो भी अपने अकाउंट के लिए आप नाम पसंद करते हैं, और अपना एक रोल वो सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे अपना एक रोल सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू कर दें। आप कोई भी रोल सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें पोस्टमैन की फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पोस्टमैन की प्रोफाइल बनी है उसमें सेफ हुआ है एज अ डाटा रिकॉर्ड। और इसी के साथ आपका पोस्टमैन का एक नया अकाउंट बन गया है और पोस्टमैन लोकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि पोस्टमैन में आपके पास वर्क स्पेसेस का कॉन्सेप्ट है। अभी करंटली मैं माई वर्क स्पेस में हूं, लेकिन मैं यहां पर एक नई वर्क स्पेस क्रिएट कर सकता हूं। वर्क स्पेस को आप इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट, जैसे आपके क्लाइंट के प्रोजेक्ट है, आपका क्लाइंट ए है, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, आप तीनों के लिए डिफरेंट वर्क स्पेसेस बना लें। एक वर्क स्पेस के अंदर अब डिफरेंट कलेक्शंस बनेगी। कलेक्शन आप प्रोजेक्ट समझ लें कि क्लाइंट ए के 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, P1, P2, P3, तो हर एक प्रोजेक्ट की एक डिफरेंट कलेक्शन बन जाएगी। वो तीनों कलेक्शन एक वर्क स्पेस में आ जाएगी। वर्क स्पेस को आप क्लाइंट के नेम पे नेम कर दें या किसी मेजर, उस क्लाइंट का जो मेजर प्रोजेक्ट है उस पे
उसकी बेस पे नाम दे दें, ताकि आपके लिए ऑर्गेनाइज करना चीजों को आसान रहे। और आप जो एक क्लाइंट का काम कर रहे हैं, जब उसको डेमो दे रहे हो तो किसी दूसरे क्लाइंट का काम उसके डेमो में ना शो हो। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि ब्लैंक वर्कस्पेस मुझे बना के देगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें, वर्कस्पेस का नाम लिख दें, मैं ज़ायोंस WS1, WS फॉर वर्कस्पेस और 1 1। कोई भी आप सैलरी ऐड कर दे, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और अब आपके पास ऑप्शन है पर्सनल इसको बनाने का, प्राइवेट बनाने का। प्राइवेट बेसिकली इसका प्रीमियम फीचर है, तो आपको अवेलेबल नहीं होगा। टीम जो भी मेंबर आप इस पोस्टमैन के अकाउंट में जिसको भी एज अ कोलैबोरेटर ऐड करेंगे, वो आपका टीम मेंबर कहलाएगा। तो टीम और पब्लिक के कोई, ये पोस्टमैन के सर्वर पर पब्लिकली अवेलेबल होगा, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर है अगर आप कोई पैकेज बना रहे हैं, नोट का पैकेज, लारावेल का पैकेज, और उसमें एपीएस का यूज है या उसकी एपीएस का यूज है, तो आप उसके पोस्टमैन की कलेक्शन बना लें, एक वर्कस्पेस उसके नाम की बनाएं, उसमें एक कलेक्शन उसकी बनाएं, और वहां पे उनकी सारी एपीएस को एक्सप्लेन कर लें, और वो पब्लिकली अवेलेबल होगा, ताकि कोई भी उस कलेक्शन को अपनी वर्कस्पेस में क्लोन कर सके। मैं यहाँ पे पर्सनल को सिलेक्ट करूंगा और क्रिएट कर दूंगा। अनटिल अनलेस कि आपने किसी टीम मेंबर के साथ शेयर करना है, आपकी ऑलमोस्ट हर एक वर्कस्पेस पर्सनल वर्कस्पेस रहेगी। वर्कस्पेसेस में अभी करंटली मैं ज़ायोंस वर्कस्पेस में हूं। यहाँ पे अब मैं नई कलेक्शन बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, और कलेक्शन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कलेक्शन आप प्रोजेक्ट को समझ लें। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट का नाम लिख दूंगा, ज़ीलिंक ज़ायोंस प्रोजेक्ट। ओके, इसको एंटर करूंगा, ये एक प्रोजेक्ट बन गया है। इसके अंदर आप फोल्डर्स बनेंगे, ऑब्वियसली आप इसको फर्दर, एक प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा एपीएस हो सकती है और फोल्डर के अंदर फोल्डर बन सकते हैं, काफी ज्यादा नेस्टेड लेवल तक आप जा सकते हैं। यहां पर मैं इसको कह दूंगा ऑथ एपीएस, ऑथ एपीएस का एक फोल्डर बन गया। इसके अंदर आप रिक्वेस्ट आ सकती है, गेट ऑथ स्टेटस रिक्वेस्ट, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। यहां पर अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं https://zions.com इस पे गेट की रिक्वेस्ट करूंगा और इसको सिर्फ सेंड कर दूंगा। ये इस यूआरएल पे हिट करेगा और उसका पूरा कंटेंट ला के मुझे डिस्प्ले करवा देगा। ये बेसिकली ऑब्वियसली ये एक एपीआई नहीं है, तो हम एक डमी एपीआई ऑनलाइन उसको सर्च कर लेंगे और उसको यूज करेंगे, ताकि हम एक्चुअली इसको सही तरह यूज करके देख सके। मैंने डमी एपीआई लिख के सर्च किया, आपके सामने ये फर्स्ट रिसर्च रिजल्ट आया डमी जेसन। इसको हम ओपन कर लेंगे और यहां पर इसकी इस एपीआई को हम यूज कर लेंगे, प्रोडक्ट वन। मैं वापस यहां पे आया, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट, और यहां पे मैं एक नया फोल्डर बना लूंगा, उसका नाम मैं रख दूंगा डमी एपीआईस, और इसके अंदर मैं एक रिक्वेस्ट ऐड कर दूंगा। सबसे पहले मैं उसका यूआरएल एंटर कर दूंगा, ताकि मुझे समझ लग जाए ये कौन सी एपीआई है। ये प्रोडक्ट्स में से सिंगल प्रोडक्ट व्यू एपीआई जैसे इसका स्ट्रक्चर है। अगर आपने एपीएस में काम किया हुआ है तो मोस्ट एपीआई आपको देख के उनका समझ लग जाएगी कि ये किस काम की एपीआई। मैं इसे यहां पर क्लिक करके एडिट करूंगा, गेट सिंगल प्रोडक्ट, एंटर करूंगा, नाम सेफ हो जाएगा, और सेंड करूंगा। अभी मैं अगर इससे सेंड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसने इस चीज को आइडेंटिफाई किया है कि ये जो डाटा रिटर्न हुआ है वो जेसन फॉर्मेट में हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एपीआई मेन यही काम होगा। जब आप अगर इस लेवल तक आ गए तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एपीआई क्या होती है और उनकी टेस्टिंग क्यों जरूरी है। इसमें जो एक और चीज मेन है वो ये है कि अगर आपको किसी एपीआई पे ऑथराइजेशन करनी है बैरल टोकन के साथ या लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, तो आप ऑथराइजेशन के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैरल टोकन, ये सिंपल जेडब्ल्यूटी टोकन की जो नॉर्मल हम ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं एपीआई पे, यहाँ पे आप सिर्फ टोकन ऐड कर देंगे, जो बैरल का कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। हेडर्स, अगर आप कोई एक्सेप्ट का या कंटेंट टाइप का हेडर ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। बॉडी, अगर ये पोस्ट की टाइप है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, तो आप इसके साथ फॉर्म डेटा या ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। आप कंप्लीट जेसन भी सेंड कर सकते हैं, लास्ट सेलेक्ट करें,
यहां से जेसन सिलेक्ट करें और फिर प्रॉपर फॉर्मेटेड जेसन को सेंड कर दें, नेम कॉलन एसन। आपकी जेसन प्रॉपरली फॉर्मेट होनी चाहिए, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रहेगी। नॉर्मली अगर आपने सिर्फ की वैल्यू पेयर सेंड करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्म डाटा यूज करें। हम एक पोस्ट की रिक्वेस्ट को चेक कर लेते हैं ताकि हमारी वो भी प्रैक्टिस हो जाए। ये रिक्वेस्ट है जो हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वापस आऊंगा और इसको यहाँ पर एडिट करके एडिट कर दूंगा। यहाँ पे मैं कोई भी डाटा यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ, नेम शू, इसे टाइटल कर देते हैं, प्राइस 100 एंड क्वांटिटी 7। इसे मैं सेंड करूंगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एरर आ गया है। एरर बेसिकली क्यों आया है, क्योंकि यहां पे मैंने इसकी कंटेंट टाइप डिफाइन नहीं की। यहां पर जो भी एपीआई होगी, एपीआई डेवलपर आपको बताएगा कि ये एपीआई कौन सी कंटेंट टाइप को एक्सेप्ट कर सकती है। सबसे पहले एक्सेप्ट जो है उसमें ये खराब है, ये एप्लीकेशन जेसन होना चाहिए। ये एपीआई मैंने डमी एपीआई पहले यूज किया है, इस वजह से मुझे पता है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो आप इसको सिर्फ थोड़ा स्टडी करेंगे, आपको इसकी समझ लग जाएगी कि क्या इसकी एक्सेप्ट कंटेंट टाइप होनी चाहिए, कंटेंट टाइप, कंटेंट लेंथ, ईटीसी, सारा कुछ ही आपको। ये क्योंकि प्योरली एपीआई रिलेटेड चीजें हैं तो वो इस लेक्चर की स्कोप से बाहर है। यहाँ पे मैं इन दोनों को एप्लीकेशन जेसन सेट कर दूंगा और सेंड करूंगा और इस दफा हमें फिर एरर आ गया। बेसिकली एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये यूआरएल इनवैलिड है, वो मैंने वहां से कॉपी किया था और एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डबल फॉरवर्ड स्लैशेस आ गई, मैंने उसे खत्म किया। सेंड करते हैं और इस दफा आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉपर जो डाटा है वो रिटर्न आ गया। ये एपीआई किस तरह काम कर रही है, इसने यहां से जो हमने इसको पैरामीटर पास किए थे वो एज इट इज इसने रिटर्न कर दिया। मैं इसको हिट करता जाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई डी 101 ही रह रही है और बस ये डमी एपीआई है, ये एक्चुअल एपीआई नहीं है, ये डाटा परसिस्ट नहीं करेगा। ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि आप पोस्टमैन को विंडोज मशीन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पोस्टमैन में आप अपना एक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद पोस्टमैन में वर्कस्पेसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, पोस्टमैन में कलेक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है और फर्दर आप पोस्टमैन को यूज करते हुए किसी एपीआई को किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.